नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस गाड़ी को करने वाले हैं कंपाउंडिंग, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था हमने ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो आज चलिए चलिए इसको यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये गाड़ी हम इसको बिल्कुल नया बना देंगे। अभी इसमें स्क्रैचेस हैं काफ़ी सारे, तो उसमें भी शाइन थोड़ी सी कम रहती है। अभी देखो रूफ़ देख लो इसकी, तो ये आज पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले हमें ये क्लॉथ लेके इसको थोड़ा क्लीन कर लेना है। एंड अभी आपको मैं विदाउट मशीन ही दिखाऊंगा, तो सिर्फ अभी रूफ़ वाला पोर्शन आपको करके दिखाता हूँ। तो हम वैक्स अपना ले लेंगे। तो अभी इसमें मैंने तो थोड़े बहुत अंदर स्पॉन्ज डाले हुए थे, लेकिन वो ज़्यादा ही अंदर चले गए। तो निकालते हैं इसको। कॉटन बड लेके आप यूज़ कर सकते हो इसको, एंड इसको रूफ़ पे लगाते हैं। पूरा रूफ़ से भी लगा सकते हैं। कैमरा एंगल आई थिंक सो ये सही है, अभी ठीक है। तो ये लेके आप इसके बाद फोम जो स्पॉन्ज है उससे भी लगा सकते हैं। तो ये लगाते हैं, एंड इसमें ध्यान रखना है कि अंदर ना जाए तो अच्छा, नहीं तो ये जम के ख़राब हो जाएगा। जो ये पार्ट्स हैं, ग्रूव्स जो हैं, जो बॉडी लाइंस हैं, तो हमने इसमें ये लगा दिया है। एंड इसको वैसे तो ज़्यादा शाइन लाने के लिए बहुत बार करना, ये प्रोसेस करना पड़ता है, तो जाके शाइन आएगी। अगर आप हैंड से कर रहे हो ना, अगर आप मशीन से कर रहे हो जो रोटेटिंग टूल वाली होती है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लाइक 2-3 मिनट में एक चीज़ हो जाएगी। इसमें अभी 10 मिनट के आसपास हमें इसको रगड़ना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। एंड मैं फ़ोन अब ऊपर लगा देता हूँ। आप ऊपर वाले एंगल से देख रहे हो, हम अपना जो क्लोथ है उससे करेंगे। ये वाला फिर गंदे वाला आ गया, दूसरे वाला क्लॉथ हम यूज़ करेंगे, माइक्रोफाइबर। तो ये लो, इसमें आप दो, ये दो कलर वाला है, तो एक वैक्स के लिए कर सकते हो एंड एक कंपाउंड के लिए कर सकते हो। तो ये लो, हमने स्टार्ट कर दिया इसको रब करना। एंड हम इसे करेंगे, एंड इसको ऐसे करते 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 करते, तो अब होता क्या है कि अगर हम रोटेटिंग टूल यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो हल्का सा हीट अप कर देता है, एंड टेम्परेचर बढ़ा के इसका वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसके स्क्रैचेस निकाल देता है। एंड जो बाकी जैसे इसमें पहले वाइट वाइट कुछ जमा हुआ था वो भी निकल जाएगा। बट आप हाथ से भी कर सकते हो अगर आप स्पीड मैनेज कर सकते हो तो। अभी भी हमने देखो एक सिंगल कोट ही करा है, उसके बाद ही इतना फ़र्क पड़ गया। तो ये आप ग्लासेस पे भी कर सकते हो, इससे ग्लासेस पे भी काफ़ी शाइन, जो काफ़ी शाइन है वो वापस आ जाती है, रिस्टोर हो जाती है शाइन। तो आप अभी देख ही लो, इतने में ही फ़र्क पड़ गया। बट अभी गाड़ी का पेंट ही ख़राब होने लग गया, क्योंकि ये आई थिंक इसमें बबल्स आ रहे हैं पेंट में। तो ये तो आजकल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम ही है हर कार में। तो अब हमने एक स्टेप से तो कर दिया, अब हम ऐसे ये 4-5 स्टेप्स पूरे करेंगे। एंड इसको आप देखना बिल्कुल नया बना देंगे। मतलब ये अगर आप सेम चीज़ करते हो विद रोटेटिंग टूल, तो 2 बार में हो जाएगा। आपने हैंड से करनी है तो हैंड से 5-6 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो हमने इस पर लगा दिया है अपना कंपाउंड, फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप के लिए जो होता है उसमें हम वैक्स ही यूज़ करते हैं। बाकी अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं वो आते हैं कटिंग कटिंग के। तो ये फर्स्ट स्टेप कटिंग कंपाउंड है। तो एक तो ये क्लियर कोट सेफ है, तो वो निकालता नहीं है, एक्सीलेंट ग्लॉक्स, एक्सीलेंट ग्लॉस एंड सेव्स रबिंग टाइम। तो ये अब रबिंग टाइम वाला तो अब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हैंड यूज़ एंड मशीन यूज़ दोनों लिखा हुआ है। बट आजकल जितने भी लोकल पेंटर्स हैं जो आपके मार्केट में, वो यही यूज़ करते हैं। तो अब देख लो, एक ग्रूव में घुस रहा है, तो इसका निकालने का एक और तरीका है, इसको डिफरेंट मोशन में करके वो ग्रूव से भी निकल जाएगा। तो ये देखो, इसकी रूफ़ तो बिल्कुल चमक गई है। अब ये क्या है कि जो आप अगर ये यूज़ करोगे तो इसमें वेस्ट ज़्यादा होगा आपका। जो आप अगर रोटेटिंग टूल यूज़ करते हो तो उसमें आपका 1 ड्रॉप पर वो लगेगा। अभी देखो हमने काफ़ी सारी लगाया है, तो उसमें तो हल्का सा लगा के पूरा वो काफ़ी सही बफ़ कर देता है। तो अब हमने एक और बार इसमें करना है, तो हम 3 बार ही करते हैं क्योंकि इसमें अभी शाइन आ गई है। तो इसके बाद देखते हैं कितना सही रहता है ये। थोड़ा सा हमने इसको घोल घुमा के ना अभी, ताकि यहाँ तक आ जाए। अब इसको थोड़ा सा रब करके बिल्कुल एकदम ग्लॉस वापस, अभी तो इस टाइम देखने वाली है, अब कैमरा में इतना नोटिस नहीं हो रही, बट बहुत ज़्यादा शाइन आने लगी इसमें। तो ये हमारा रूफ़ तो हो गई है इसकी। अब हम करते हैं बॉनेट। वैसे तो हम इसके पार्ट्स अगर उतार लेते
और बेटर हो जाता, क्योंकि अभी ये आपने अगर ये वीडियो देखी हो नेचर ऑटोमोबाइल्स वाली, तो उसमें आपको पता लगेगा कि बहुत गंदी थी पहले। तो अभी उसमें जो अंदर ग्रूव्स हैं उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी फंसी हुई है। तो हमारा यहाँ पे लग गया बॉनेट पे, तो आई थिंक बॉनेट साफ़ ही है, तो इसमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगेन हम क्लॉथ लेके, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया ये, पहले हल्का हल्का सा ना सारे उसमें लगा देंगे ताकि पहुंच जाए, ये ज़्यादा ही है इसलिए मैं इसको साथ में थोड़ा थोड़ा साइड पे भी लगा देता हूँ। तो बस अब इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में अभी हमने करा है, उसके बाद सिंगल में करेंगे ताकि लग जाए। एंड फर्स्ट कटिंग तो हमने कर दी है इसकी, अगर पेंट निकलना होगा वो बॉडी का पेंट ख़राब होगा एंड वो लग सकता है। तो आप देख सकते हो कि पेंट तो नहीं निकल रहा है, बट ये पेंट अच्छा है, पेंट तो नहीं निकल रहा। ये OEM पेंट ही है, ये आई थिंक शेजी की आती है, लैंड क्रूजर वही वाली है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ बट आई थिंक, नहीं सॉरी XLG की है ये, शेजी की नहीं है, XLG वाली है ये। अभी एक से इतनी शाइन नहीं आई है जितनी रूफ़ पे है, तो हम एक और बारिश पे करेंगे, बल्कि शाइन तो आपकी थोड़ी कम भी हो तो वो बाद में वैक्स से आ जाएगी, बट जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सरफेस पे वो निकल जाएंगी। इसके लिए अगर जैसे आपका मैंने फोम का पीस दिखाया था लास्ट टाइम, तो अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत, तो ये है, इससे भी आप कर सकते हो ऐसे थोड़ा टाइम इसे रब करके गोल घुमा के, तो इससे काफ़ी अच्छी शाइन आ सकती है। इवन आप इसमें इसके साथ आप जो सैंड पेपर होता है 2000 ग्रिट का, तो वो यूज़ करके भी पहले आप उसकी थोड़ी बहुत सैंडिंग करके वापस ग्लॉस रिस्टोर कर सकते हो, बट वो इन गाड़ी पे करना आई डोंट थिंक सो फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस पे पता नहीं क्लियर कोट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, और बहुत पतला कोट हुआ हुआ है तो वो निकल भी सकता है, तो इससे अच्छा ना ही करो तो बेटर है। तो खाली कंपाउंडिंग कर लो, ये अंदर घुस गया। तो यहाँ का पेंट थोड़ा सा ख़राब है बॉनेट का, ये देखो उसमें आप और दिख रहा हो थोड़ी बहुत, ये देखो, ये देखो कितना ज़्यादा इसका सरफेस ख़राब हो चुका है, पेंट ख़राब हो गया है। तो यार ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ही हो रहा है आजकल, तो पता नहीं इंडिया में जितनी भी डाई कास्ट आ रही, बट ग्लॉस हमारी काफ़ी रिस्टोर हो गई है। सेम ऐसे ही इधर करेंगे, जैसे इसमें ये थे ना मैं आपको बता रहा था कि ये निकल जाएंगे, इसके लिए हल्की सी हमें शायद सैंडिंग करनी पड़े, बट हम स्टिल एक बार आपको करके दिखा देते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत निकले, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा। तो हमने अभी अपने कॉटन बट से लगा लिया है इस पर, एंड अभी फोम से ही इसको, जो स्पॉन्ज है सॉरी, तो इसको इसी पे हम कर देंगे सब पे, ये लग जाए आई थिंक सो, ये हल्का हल्का तो निकल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा हमें, ज़्यादा रब करना पड़ेगा, तो ये इजीली निकल जाएगा। तो हम इसको रब करते हैं एंड देखते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग जैसे देख रहे हो मैंने इसको रब करा है, अब कैसे पता, ये देखो ये निकल रहा है, तो ये कलर नहीं है, ये जो इसके ऊपर जो स्टिकर्स आते हैं ये लैंड क्रूजर वाले स्टिकर्स हैं, तो ये वो हल्के हल्के रब हो रहे हैं, एंड ये आप 4-5 बार प्रोसीजर ये करोगे तो ये निकल जाएगा। तो हम चलो ये पूरी गाड़ी को अब करते हैं ताकि ये पूरी ख़त्म हो जाए हमारी गाड़ी एंड नहीं बन जाए। तो हम अभी फिलहाल उतारने के लिए ये पार्ट यूज़ करेंगे, तो आई थिंक सो इसके ऊपर कलर करा हुआ था, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, इसके ऊपर भी पेंटेड है ये, शायद पिछले ओनर ने करी हो क्योंकि मैंने प्री ओन्ड ली हुई है ये, तो इसके ऊपर शायद कोई कलर ना हो, आई थिंक नेल पॉलिश वगैरह ना यूज़ करी हो। ये देखो ब्लैक कलर निकल रहा है, तो हम इसको अगर ज़्यादा ही रब करते हैं तो वो पहले वो पेंट उतरेगा, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर पहले वो है, तो ये देखो अब वो निकल रहा है, बट आप देखो साथ साथ उसके जो गोल्डन, इसमें सिल्वर गोल्डन आता है वो भी निकल रहा है, तो ये सारा इकट्ठा निकल ही रहा है, इसको हम काफ़ी रब करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ पूरा रब करने के बाद कि कैसी दिख रही है। तो
हमें अभी ये जो इसके जो पेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये नहीं निकल रहे हैं कंपाउंड से, तो हमें इसमें वेट सैंडिंग करके इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद हम ये पोर्शन करके देखते हैं एंड उस पर बफिंग करके दिखाएंगे कि ये निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। तो अब हम इसमें सैंडिंग कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो ये निकल तो रहा ही है, बट मेरे को डर ये है कि कहीं क्लियर कोट ना निकल जाए। तो क्लियर कोट अगर निकल गया तो फिर वो ग्लॉस नहीं आ पाएगी एंड हमें गाड़ी को फिर से एक बार कोटिंग देनी पड़ेगी, मतलब एक बार क्लियर कोट फिर से करना पड़ेगा। तो अभी निकल तो रहा है ये, ऑलमोस्ट निकल गया है। तो इसमें आपको साथ साथ एक और एग्जांपल मिल जाएगा कि कैसे ही आप सैंडिंग करके भी जो है ग्लॉस रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसके स्टिकर्स थोड़ा साफ़ कर लें, तो ऑलमोस्ट सिक इसके जो स्टिकर्स हैं वो निकल गए हैं। थोड़ा सा रहता है वो मैं निकाल देता हूँ, तो इसको साफ़ करते रहिए ताकि पता चलता रहे। तो ये LC 200 वैसे भी बहुत प्यारी है। हमारी सैंडिंग पूरी हो चुकी है ये पोर्शन की, सिर्फ हमने फेंडर पे ही करके देखा है अभी, ताकि क्लियर कोट रिस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा पता चल जाएगा कि हमने कहीं क्लियर कोट ही तो नहीं निकाल दिया सैंड करके, वैसे मुझे लग नहीं रहा है। तो हम इसको पॉलिश करते हैं इस पार्ट को, और मैं अभी सिर्फ मशीन ही यूज़ करूँगा क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा अभी अगर मैं हाथ से करता हूँ तो। क्योंकि अगर मैं करके दिखाता हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ अभी वन कोट, तो वन कोट से कितना फ़र्क इस बात पड़ता है अगर मैं मशीन नहीं यूज़ करता हूँ अपनी, जो मेरा रोटेटिंग टूल है। थोड़ा बहुत आप हैंड से भी यूज़ करके, हैंड से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो अभी हो गया, मशीन से भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा जितना हाथ से लगेगा। तो अभी हम पटाखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आज वैसे भी 22nd है तो उस चक्कर में पटाखे बहुत चल रहे हैं। तो अब इसमें हम ये अपना रोटेटिंग टूल से इसको बफिंग कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्लॉक रिस्टोर होती कि नहीं होती। फिर देर घुमाएंगे इसको एंड देखते हैं कि ये लॉस रिस्टोर होती है कि नहीं होती है। लॉस रिस्टोर हो गई है, देखो आप, अभी हमने सिर्फ कुछ 1 मिनट के आसपास ही चलाया है एंड काफ़ी लॉस वापस आ गई है। तो अभी ये प्रोसीजर हम अगर काफ़ी टाइम बार करेंगे, मतलब 2-3 बार अगर हम करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इसका कलर वापस आ जाएगा, ग्लॉस वापस आ जाएगी, सॉरी कलर तो वही है। एंड ये हम एक बार फिर से चलाएंगे, पहले हमने कम लगाया था थोड़ा सा, तो अब ये हो रहा है। देखो अब ये पैनल, तो इसकी ऑलमोस्ट जो ग्लॉस है वो रिस्टोर हो गई है, तो अब काफ़ी सही है एंड आप सैंडिंग करके ये चीज़ें निकाल सकते हो। आज की वीडियो में बस यही था कि मैं दिखाना चाहता था कि कैसे आप कंपाउंडिंग यूज़ करके सारे स्क्रैचेस भी निकाल सकते हो, क्योंकि जब हम सैंड करते हैं तो वो स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं एंड जैसे स्टिकर्स हैं ये भी निकल जाएंगे किसी गाड़ी में है तो। बट ये हर गाड़ी का अलग अलग हो सकता है, बट इसमें हो गया है एंड ये चाइनीज़ कंपनी की है, तो इसमें कोई इतना खास क्वालिटी का पेंट भी नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे एक और वीडियो डालेंगे इसी कार के ऊपर, जिसमें हम इस गाड़ी को पूरा सैंड डाउन करेंगे, लाइक वेट सैंडिंग करेंगे, पेंट नहीं उतारेंगे, सिर्फ इसकी डिटेलिंग करेंगे। एंड जैसे इसमें ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर ये देखो आप, कोई इम्परफेक्शंस हैं सरफेस पे, तो हम सैंड डाउन करेंगे हल्का हल्का इसको, अगर ये स्मूथ हो गया एंड ऑरेंज पील भी इसमें काफ़ी है तो वो हो गया, तो हम यहाँ पे कोनों पे तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से अगर हमने करा तो पेंट रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे थिकनेस कम होती है। तो हम करेंगे जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है एंड इसको पूरी गाड़ी को फिर डिटेल करके कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ पैनल ही करा है। मैं पूरा भी इसमें करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इवन यहाँ पे भी हल्की सी इंप्योरिटीज़ हैं सरफेस पे, तो बाहर अंदर से बबल्स आ रहे हैं पता नहीं क्या है, तो वो करेंगे हम, बल्कि इसको पूरा ओपन करके धो के फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अंदर आप देखो तो यहाँ पर मिट्टी दिख रही होगी आपको ये पोर्शन में। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को हम उसको पूरा रिस्टोर करेंगे एंड इसको डिटेल करके ख़त्म करेंगे, एंड अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम इसमें सेरामिक कोटिंग भी करेंगे, तो इसका पेंट जो है फिर पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड इसकी हम डिटेलिंग बाकी जो कर ही रहे हैं साथ में, हम इसमें नंबर प्लेट, लोगोस एंड पीछे वाला लोगो ये वो टोयोटा का नहीं है वो लगा के, एंड अगर हेड टेल लैम्प थोड़ी डिटेल करनी हो वो भी करके इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट मिले। हाँ एंड साथ में प्लीज़ लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, एंड प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए
अगर आप वीडियो में कुछ और देखना चाहते हो तो हम आगे वो सेम वैसी वीडियोस बना सकते हैं। ये काइंड ऑफ एजुकेशनल प्लस एक्सपेरिमेंटल बेसिस वीडियोस हैं। तो पहले तो वाला तो एक्स वाला तो था ही, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है बट ये भी सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी ये भी इतनी हल्की बहुत शाइन थोड़ी रहती है क्योंकि हमने इसमें वैक्स नहीं करा, तो सेकंड कोटिंग में हो जाएगा। तो अगली जो वीडियो है इसमें पूरा इसको कंप्लीट करके देखते हैं गाड़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है।